तुसी पुलाव बिरयानी सिंधी बिरयानी दूसरी बिरयानी बहुत बम्बई बिरयानी बहुत खादी होएगी, लेकिन लस्सी वाला पुलाव आज तक नहीं खादा होएगा, यकीनी बात है। और मेरे कहने ट्राई करके देखो एक दफा ये बनाने के बाद दोबारा तुसी और कोई पुलाव इंशाल्लाह ट्राई नहीं करोगे। बहुत जानदार, बहुत टेस्टफुल और बिल्कुल ईजी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक नवी रेसिपी दे नाल हाजिर होए हैं, मानसरा दी और हरिपुर हजारा दी मशहूर सौगात लस्सी वाला पुलाव। बहुत जानदार है। बासमती चावल ने जो अद्धा किलो से भिगो के रखे हुए हैं, 1 किलो लस्सी है जी असी घर की दही जमा के तैयार की हुई है। दूसरी भी हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन लस्सी जिनी जबरदस्त किस्म की हो टेस्टी होने चावलों पर ज़्यादा अच्छा असर पैदा है। तो अद्धा किलो ही ये चिकन जाएगा, 2 मीडियम साइज़ के प्याज जाएंगे, 2 ही ये टमाटर जाएंगे। अमूमन टमाटर नहीं ऐड किए जाते क्योंकि लस्सी हल्की जी खट्टी कर ली जाती है, तो असी लस्सी में खट्टे नहीं किया, इस वजह से अं टमाटर ऐड करा नाल। ते 3 तो 4 हरिया मिर्चा जानगियां, 2 चम्मच लसन अदरक का पेस्ट जाएगा ये। और यह मिर्चा ने जिहड़ियां रेड वालियां इन्हों गार्निश करने वास्ते बाद ऐड करांगे नाल ना रहना, बहुत जबरदस्त है, बहुत टेस्टफुल चीज़ बनेगी। सब तो पहले असी अपनी खूबसूरत जी कढ़ाई चुल्हे ते चढ़ाई, और ये एक पहली असी आयल ऐड करांगे। अगर कप के हिसाब से देखा जाए तो 1 कप जो ना वड्डे साइज का, क्योंकि चावलों के आयल या घी दोनों चीज़ों जो कुछ भी हो अगर कम हो ना तो वह जुड़े जुड़े लगते हैं, सोने नहीं लगते। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं होना चाहिए जो नीचे बैठा हुआ हो, और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। 1 चम्मच असी जीरा ऐड करा, हल्का जहाँ कड़कड़ावे, तो फिर असी प्याज ऐड करा। जीरा हल्का जहा फ्राई हो गया, हम असं प्याज ऐड करा, और बिल्कुल मामूली जहाँ ना कलर चेंज करा, बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना, बिल्कुल मामूली जहा कलर जो है ना प्याज का चेंज हो गया। हम असं लसन अदरक का पेस्ट ऐड करा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और नाल ही हरिया मिर्चा ऐड कर देंगे, इन्होंने 2 से 2.5 मिनट भुना अच्छे तरीके के नाल। मिर्चा की कड़वाहट भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, और लसन अदरक की भी ना स्मेल बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बहुत सोहने तरीके बनिया जाएगा। हम सा लसन अदरक और हरिया मिर्चा बुनिया गई, हम असं इस स्टेज पर टमाटर ऐड कर देंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यह जो है यह हम टमाटर सोफ्ट हो गया हल्के हल्के, तो हम अच्छे चिकन ऐड कर देंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और नाल ही असं ना मसाले ऐड करा, मसालिया के कुटी मिर्च आएगी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तकरीबन 2 चम्मच। और सुरख मिर्च और हल्दी दोनों चाहिए नहीं जानगियां, क्योंकि उन्होंने ना यहाँ कलर सारा जो खराब हो जाता है, कलर खराब नहीं होना चाहिए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। 2 चम्मच ये नमक जाएगा, तुम नमक मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब ना कम या ज़्यादा कर सकते हो। हम चिकन बहुत सोहना बुनिया गया, लेकिन थोड़ा जिना गुड़ सारा पानी ऐड करके यदि मजीद बुनाई करा, ताकि ना खुशबू मजीद सोहनी हो जाए, नाले थोड़ा जिना सॉफ्ट भी हो जाएगा। तो 5 मिनट वास्ते असं इन ढक के रखते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम मिलते हैं अगले 5 मिनट बाद। हम 5 मिनट हो गए, थोड़ा पानी ऐड करके तो इन जो है ना ढक के रखे हुए हैं, तो चिकन बहुत सोहना गल गया और आयल बिल्कुल सेपरेट हो गया। हम इसी चावल ऐड करा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नॉर्मल ये होंगे कि जो असं पानी ऐड करते हैं ना, तो पानी पहले ऐड करी दे, पानी बॉयल हो जाता है फिर चावल ऐड करी देने, लेकिन यह तरीका थोड़ा जहा डिफरेंट है कि पहले चावल ऐड करके तो नाल ही लस्सी ऐड करनी है, और जी ना फ्लेम बिल्कुल नॉर्मल जी रखनी है, तेज़ नहीं करनी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्योंकि अगर फ्लेम तेज़ करो ना तो लस्सी फट जाती है, तो उबाल आने तो बाद फिर बेशक तेज़ कर दो, फिर कोई मसला नहीं, फिलहाल नॉर्मल रखनी है, बिल्कुल स्लो भी नहीं करनी कि चावलों की खीर बन जाए, और बहुत ज़्यादा जो है ना वो तेज़ भी नहीं करनी ताकि लस्सी फट ना जाए, ठीक हो गया। ए निक्किया निक्किया चीज़ा जी ना बहुत ज़्यादा नोट करने वाली होंगे ने, थोड़ी जिन्ना भी मिस हो जाए ना तो रेसिपी जी ना सारी खराब हो जाती है। हूँ ओपन रख के पकाया, चमचा बिल्कुल स्लो, बाकी तरीका सेम है, चमचा वगैरह तेज़ नहीं चलाना वरना चावल टुट जाएंगे, कोजे हो जाएंगे। तो पकाया बिल्कुल ओपन रख के, हूँ जो ना बिल्कुल सही लस्सी में उबाल आ गया, हूँ असी फ्लेम फुल तेज़ कर दी है, हूँ लस्सी बिल्कुल खुश्क होना शुरू हो गई। हूँ असी इन्हें हल्का जहा बिल्कुल हल्के हाथ नाल चमचा चलावे ताकि ये साइड जरा चेंज हो जाए, फिर असी इन्हें जरा दम से लगा देंगे। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, और यकीन मानो कि लस्सी दना इहदा टेस्ट इतना क जानदार बन गया है कि जिहदा कोई हिसाब ही नहीं है। यही रेसिपी जिहड़ी है वो है दूसरे राजस्थान वाले भी बनाते हैं, लेकिन वो दना दा थोड़ा जिना जिहड़ा ना चेंज है, लेकिन जिहड़ा हजारे वाल की रेसिपी है इहदा तो कुछ अपना ही टेस्ट है। सब तो पहले असीं इहदे च हल्का जिहा फूड कलर ऐड करांगे, इहदे नाल जिहड़ा ना खूबसूरती ज़्यादा वध जांदी है, तो लिक्विड फॉर्म च भी हुंदा है, वह चाहो तो वह ऐड कर लो, अगर यह चाहो तो
थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बिल्कुल पुदीना और धनिया नाल गार्निश करांगे ताकि टेस्ट और खूबसूरती दोनों चीज़ आवाज जानी ने और जो टेस्ट के नाल नाल खूबसूरती बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हल्का हल्का धनिया ऐड हो गया तो हूँ जी सुरख मिर्च इतना हल्का हल्का इन गार्निश करांगे ताकि मजीद जी ना खूबसूरती बच जाए। हूँ असी तो फ्लेम जी ना बिल्कुल लो करके ते शीशा ढकना है बिल्कुल सही लॉक हो जाता है बंद करता। अगर है तारी कढ़ाई जी है ना वजनों हल्की है तो फिर तुम्हें नीचे तवा रखना है। सारी कढ़ाई थोड़ी वजनी है इस वास्ते जो ना भारे पैंने दी है तो जरूरत नहीं है नीचे तवा रखने की। असी डायरेक्टली रख दिता है तो 10 मिनट बाद इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। हम यह हूँ 10 मिनट हो गया दम दिते हुए हूँ असी ढकना ओपन करांगे और सब तो अहम चीज़ देसी घी जो ये कच्चा ऐड किया जाता है। देसी घी हो मक्खन होवे एंड ते आके कच्चा लाजमी ऐड किया जाता है। ये हज़ारा रेसिपी दी बिल्कुल एक अहम जड़ी ना टिप है ते ऐसे वास्ते मैं आखदी हाँ रिक्वेस्ट कर दी हाँ कि जाना वीडियो नाल नाल देखिया करो बिल्कुल जो ना स्किप ना करना वरना बहुत सारिया चीज़ा जी रह जाए ने। यह लाजमी ये ऐड किया जाता है ते इन्हें ऐड करन तो बाद हुण 2 तो 3 मिनट मैं इन जरा ढकना बंद करके रख देंगी ताकि अच्छे तरीके दे नाल मेल्ट हो जाए और इसकी फ्लेम बंद कर दी है। हल्का जहा घी मेल्ट होंदा है फिर डिश आउट करके तुहानू इहदी फाइनल लुक दिखाते हैं। यह हूँ 2 तो 3 मिनट हो गया बंद करके रखे हुए हैं तो जोड़ा ना यदा घी जोड़ा देसी ऐड किया बहुत सोहने तरीके मेल्ट हो गया तो हूँ असं इन डिश आउट करने हैं तुहानू इहदी फाइनल लुक दिखाते हैं। बहुत ही टेस्टफुल है और इसकी खुशबू ही इतनी कि जानदार है कि बस समझो कि ना चाहते हैं भी बंदे भुख लग जाती है। देखिए कितने ज़बरदस्त दाना दाना चावल ने। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शक्ल देखो कितनी खूबसूरत है कोई पहचान नहीं पाता कि ए बिरयानी है या पुलाव है लेकिन ये पुलाव है और बहुत ही जानदार है बहुत ही टेस्टफुल है। बना के ट्राई लाजमी करना ताकि जो है ना खाली सुनने च और देखने च बहुत फर्क होंगे। साढ़े को ऑप्शन नहीं है कि तुम उसे टेस्ट करा सकी है इस वास्ते खाली जो है ना मशवरा ही दे सकते हैं कि बना के ट्राई लाजमी करना और एक दफ़ा बनाने तो बाद तुसी ये हज़ारा रेसिपी दी इंशाल्लाह दीवाने हो जाओगे। लो जी यह साढ़े लस्सी वाले पुलाव की फाइनल लुक है। अगर मेरी रेसिपी तुम्हें अच्छी लगे तो कमेंट और शेयर लाजमी कराया करो इतना थोड़ी हौसला अफजाई हो जाती है। बाकी मेरी तरफों तो सब वास्ते दुआवां हमेशा हंसते वास्ते रहो आबाद रहो। अस्सलामु अलैकुम।